असलकम वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे Shopify पार्टनर स्टोर किस तरह क्रिएट करते हैं ये हमारे पास आ गया हमारा Shopify पार्टनर का डैशबोर्ड जिसको हमने अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था तो इधर आपने आ जाना है स्टोर्स पे और स्टोर्स पे आने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी एड स्टोर की जो आपके प्रीवियस स्टोर होंगे वो इधर आपको शो आने लग जाएंगे कि जितना आपके स्टोर डेवलपमेंट के लिए स्टोर यूज़ हो रहे हैं आप मैनेज कर रहे हैं वो स्टोर आ जाएगा आज स्टोर में जाएंगे तो आपके तमाम स्टोर स्टोरने लग जाएंगे तो हम जल्दी से अपना एक स्टोर क्रिएट करते हैं तो आपने एड स्टोर में जाना है अब यहाँ पे हम एक चूंकि हम थीम को क्रिएट करने के लिए एक स्टोर बना रहे हैं थीम की कस्टमाइजेशन के लिए स्टोर क्रिएट कर रहे हैं तो हम एक डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट करेंगे और उसके बाद नीचे हमारा मैनेज स्टोर है मैनेज स्टोर जो हमारा होता है ये हमारा होता है कि आपका एग्जिस्टिंग कोई शपीफा स्टोर है आप उसको मैनेज करना चाह रहे हैं आप उसको कर सकते हैं या आपका कोई क्लाइंट है वो आपके अपने स्टोर को एक्सेस दे रहा है तो आप उसके स्टोर को यहाँ से मैनेज कर सकते हैं तो फ़िलहाल हम डेवलपमेंट स्टोर में जाएंगे तो डेवलपमेंट स्टोर में गए अब यहाँ पे हमारे पास स्टोर आ गया स्टोर का नेम मैं क्या रखता हूँ मैं रखता हूँ टेस्ट अब अगर तो मेरे पास इस नाम का यू आर एल अवेलेबल होगा तो डेट्स ओके अगर नहीं होगा तो यहाँ पे आ गया स्टोर यू आर एल इज़ अन अवेलेबल बन बेसिकली होता क्या है कि आपका स्टोर का नाम जितना छोटा होगा उतना अच्छा होता है ये वैसे हमारा नाम बड़ा आप आपके स्टोर का नाम छोटा होना चाहिए फ़र्स्ट थिंग सेकेंड थिंग जो होती है वो ये होती है कि आपका जो स्टोर है उसमें जो बीच में ये स्लैशेस नहीं आनी चाहिए तो आपने इसको भी अवॉइड करना है उसको नीचे आपकी जी वगैरह आ थी है फिर पासवर्ड जो आप रखना चाह रहे हैं पासवर्ड आप रख सकते हैं तो मैं यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर देता हूँ और उसके बाद हम कंफर्म कर लेते हैं इसको अब यहाँ पे हमारे पास डोल्पर प्रीव्यू आ जाता है अब डेवलपर प्रीव्यू क्या होता है डेवलपर प्रीव्यू होता है कि अभी तक जो अन रिलीज हमारे पास शोपीफाई के फीचर्स होते हैं ना वो भी आपको शो होने लग जाते हैं अपडेट्स वगैरह शोपी के एडमिन को लेकिन इसके साथ आपका जो स्टोर का ट्रांसफ़र होता है वो डिसेबल हो जाता है तो यहाँ पे जाएंगे हम इसको डिसेबल कर लेते हैं फिलहाल के लिए अब यहाँ पे आपको अपने जो आप वो आप एक्सेस कर सकते हैं शोपीफाई मार्केट्स मल्टी मैनेज इन्वेंट्री अपडेट और ग्लो ग्लोबल नेविगेशन तो इट्स आल डिपेंड अपॉन यू तो हम आ जाते हैं यहाँ पे यहाँ से आप अपनी जो चेंजेस व्यू कर सकते हो ग्लोबल नेप में कौन सी चेंजेस आई हैं उसको आपका एड्रेस आ जाता है आ जाता है नीचे स्टोर का एड्रेस वगैरह जो आप ऐड करना चाह रहे हैं वो आप ऐड कर सकते हैं उसके बाद आपने सेव कर देना है तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रही है कि आप ट्रांसफ़र डिसेबल स्टोर क्रिएट करना चाहते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो यस, वी कैन क्रिएट तो हमारा एक नया स्टोर क्रिएट हो जाएगा तो हमारा स्टोर क्रिएट हो गया अब जब हम स्टोर क्रिएट करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा डैशबोर्ड ओपन हो जाता है यहाँ पे हमारे पास सारा हमारे पास स्टोर की जो कस्टमाइजेशन की सारी ऑप्शंस आ रही होती हैं अब चूंकि मैंने इसका डेवलपर प्रिव्यू के साथ इसको क्रिएट किया तो यहाँ पे मेरे पास ये फर्दर कुछ ऑप्शंस आ रही हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे अब इसके साथ साथ हम यहाँ पे देखते हैं आगे कि हमारे पास आप यहाँ से जो आई का आँख का आइकन आपको नज़र आया यहाँ से आप प्रीव्यू कर सकते हैं अपने स्टोर को तो अभी जो हमारा स्टोर है वो कुछ इस तरह क्रिएट है कि ये सारा स्टोर अब आपने हमारा स्टोर क्रिएट हो गया और अब अभी आप अपने यूज़र को नहीं दिखाना चाह रहे तो कि आपका स्टोर कैसा है तो आप इसको पासवर्ड प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टेड सक रख सकते हैं कि लाइक मैं यहाँ पे प्रेफरेंस और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आएगी देखिए योर स्टोर इज़ इन डिवेलमेंट प्रोवाइड द पासवर्ड टू विजिटर टू लेट दैम एक्सेस टू योर स्टोर तो यहाँ से आप अपना पासवर्ड रख सकते हैं स्टोर का एनेबल कर सकते हैं इसको और यहाँ या हमारा पासवर्ड यहाँ पर आ जाएगा अगर आप अपने विज़िटर्स के लिए कोई मैसेज शो करना चाह रहे हैं वो यहाँ पर आप शो कर सकते हैं तो हम वापस आते हैं अपने ऑनलाइन स्टोर पर यहाँ पर तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट थीम्स वगैरह आती हैं और इसके साथ साथ हम अगर बात करें कि हमारा जो ये अब हमने डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट किया था एक अपना तो जो हमारे पास डेवलपमेंट स्टोर होता है ये हमारे पास वैसे अगर हम देखें तो हमारे पास 15 डेज ट्रायल होता है तो हम जब डेवलपमेंट स्टोर क्रिएट करते हैं ना तो हमारे पास अनलिमिटेड टाइम आ है अब शोपीफाई हमें ये क्यों प्रोवाइड करता है Shopify हमें ये इसलिए प्रोवाइड करता है कि बाजवा लोग होते हैं जो डेवलपमेंट कर रहे होते हैं जिन्होंने अपनी थीम क्रिएट करनी होती है तो उनके लिए Shopify ये प्रोवाइड करता है कि उनको थीम क्रिएट करने में टाइम लग जाता है स्टोर को बनाने में टाइम लग जाता है तो उनका जो फ्री ट्रायल वाला पीरियड होता है ना वो चलता रहे तो उसके लिए Shopify ये प्रोवाइड करता है तो ये हमारा एक स्टोर क्रिएट हो गया इसका हम फर्दर डिस्कस करेंगे इसको वन बाय वन सारे डैशबोर्ड को एक्सप्लोर करेंगे तो अगर आप लोगों को थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप एक दो वीडियोस स्किप भी कर सकती हैं तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिज